बॉलीवुड एक्टरों के लाखों करोड़ों फैन हैं। बाहर की बातें तो सभी को पता लगती ही रहती हैं, लेकिन आज हम आपको बॉलीवुड के अंदर की ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपको पता हो। सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म की शूटिंग से लेकर रिलीज होने तक फिल्म के निर्देशक राज कपूर ने शराब और मांस छोड़ दिया था। मेरा नाम जोकर और संगम दो ऐसी बॉलीवुड फिल्म है जिसमें दो इंटरवल्स हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए सैफ अली खान पहली पसंद थे और राज मल्होत्रा के किरदार के लिए हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज के बारे में सोचा गया था। अनिल कपूर जब पहली बार मुंबई आए थे तब वह राज कपूर के गैराज में रह रहे थे। देविका रानी पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिनके पास फिल्म निर्माण की डिग्री थी। अमिताभ बच्चन समय के इतने पाबंद हैं कि वह कई बार शूटिंग पर चौकीदार से पहले पहुंच जाते हैं। शोले फिल्म से अमजद खान को निकाला जा रहा था क्योंकि फिल्म के लेखक जावेद अख्तर को उनकी आवाज़ गब्बर के रोल के लिए कमज़ोर लग रही थी। सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाली भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड कहो ना प्यार है के नाम पर दर्ज है। इस फिल्म ने 92 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। इज्जत बॉलीवुड की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें जयललिता ने काम किया है। 1990 तक अमिताभ बच्चन ही इकलौते बॉलीवुड स्टार थे जो करोड़ों या उससे ज़्यादा की फीस लेते थे। अमिताभ और अभिषेक बच्चन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये पिता पुत्र की पहली ऐसी जोड़ी है जिसने पा फिल्म में पिता ने बेटे का और बेटे ने पिता का किरदार निभाया है। रजनीकांत बॉलीवुड में आने से पहले कूली, कारपेंटर और बस कंडक्टर का काम करते थे। राजसत्ता एक्सप्रेस पर आपको मिलती है देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरें। यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।